हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में फ्रॉम ओबीयू ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये है क्या। ACCA का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है ओबीयू ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ। यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है ये, जिसमें आप बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग यानी एक ग्रेजुएट लेवल डिग्री ले सकते हो व्हाइल परस्यूइंग योर ACCA। इट्स जस्ट लाइक कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की है विद स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसी तरह से बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग है बीएससी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम ओबीयू। हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि आप किस तरह से ये डिग्री ऑब्टेन कर सकते हो ACCA परस्यू करने के साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिस्कस करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको ACCA के 9 पेपर्स क्वालिफाई करने हैं, देन यू कैन गेट दिस डिग्री। इन केस अगर आपने 9 पेपर्स में एग्जम्पशन ले रखा है, ACCA में कई रूट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे 9 पेपर्स में से एग्जम्पशन मिल जाती है, देन यू हैव टू फॉरफिट योर एग्जम्पशन फॉर दीज 3 पेपर्स। कौन कौन से? F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन 3 पेपर्स में आपको अपना एग्जम्पशन फॉरफिट करना पड़ेगा, यानी कि आपको मैंडेटरीली ये पेपर्स तो क्वालिफाई करने ही है OBU का डिग्री ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको ACCA के 9 पेपर्स के साथ साथ ACCA का एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल ये भी क्वालिफाई करना है OBU की डिग्री लेने के लिए। अब आप जब ACCA के लिए रजिस्टर करोगे तो आपको एक ऑप्शन आता है कि whether you want to get registered for OBU or not, then आप उसमें तब ये ऑप्शन क्लेम कर सकते हो, यानी कि आपने ये डिग्री के लिए ऑप्ट करना है। सो ये 3 क्राइटेरिया रहेंगे OBU की डिग्री ऑब्टेन करने के लिए। फर्स्ट 9 पेपर्स, अगर एग्जम्पशन है तो F7, F8 एंड F9 पेपर्स ये होने चाहिए। EPSM मॉड्यूल, एथिक्स मॉड्यूल ये क्वालिफाई करना है और आपको डिग्री के लिए ऑप्ट करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैम क्या इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम होगा? नो, इसका कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता है। आपको एक सिंपली प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब वो प्रोजेक्ट सबमिट करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा? आप एक रजिस्टर्ड मेंटर सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। आपका मेंटर लिस्ट ऑफ 20 टॉपिक्स होते हैं जो कि OBU ने दिए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी ने 20 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन 20 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है थ्रू द हेल्प ऑफ योर मेंटर। और फाइनली आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है फर्स्ट टू मेंटर, ही विल इवैल्यूएट योर प्रोजेक्ट, देन आप ये प्रोजेक्ट सबमिट करोगे OBU यानी कि यूनिवर्सिटी को। ये क्राइटेरिया रहेगा आपको डिग्री ऑब्टेन करने का। प्रोजेक्ट सबमिशन मई एंड नवंबर में हो सकती है। मई एंड नवंबर के भी फर्स्ट 12 डेज, फ्रॉम 1 टू 12 डेज, फर्स्ट मई टू 12th मई नवंबर, फर्स्ट मई टू 12th मई जो है आपकी मई में रहेगी। इन दिनों में आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अलावा आपको एक स्किल्स एंड लर्निंग स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट होगा आपका अराउंड 7500 वर्ड्स का, इसके साथ स्किल्स एंड लर्निंग स्टेटमेंट 2000 वर्ड्स की, एनेक्सियस, प्रोजेक्ट्स और रेफरेंस फाइल्स, ये साथ में आपको सबमिट करनी पड़ेगी किसको? यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करें अगर फी स्ट्रक्चर की, तो OBU का फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है। 445 पाउंड है यूनिवर्सिटी फीस एंड मेंटर फीस जो है वो 20,000 to 30,000 की है। यानी कि बजाय कि आप यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर एक 3 to 4 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम परस्यू करके जिसमें आपका अराउंड 1 करोड़ के अराउंड
एक्सपेंस आ सकता है वो परस्यू करके आप शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई कर सकते हो ओबीयू भी एसीसीए के साथ। ठीक है, सो ये था आपका बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ओबीयू। अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिवन डिटेल्स। थैंक यू।